मुझे एक डाउट है, यूरिन मॉल एन एक अजनबी दिखता है, करेक्शन अट्रैक्टिव अजनबी, एंड यू बोथ नो यू लुकिंग एट ईच अदर, सो यू से समथिंग या कहानी खत्म। पर्सनली 100% सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि मेरा दिल बॉलीवुड है ना, सो इट गोज मिलेंगे मिलेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू द लीड ऑफ दिस मूवी, प्रिया, एंड प्रिया की पर्सनैलिटी कैन बी समड अप इन लाइक 10 seconds। पॉस, ये कौन सा साउंड इफेक्ट है? ये संस्कारी बच्ची है भाई, कंटिन्यू। शी इज ऑल्सो नॉट लाइक अदर गर्ल्स बिकॉज शी ड्रिंक्स कॉफी लाइक दिस, लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट। सी, ये पेंटिंग इतनी ओरिजिनल है जितनी ओरिजिनल बैंग बैंग थी। She is special because she uses the incognito tab only to stalk Manyavar, buys chart paper from DMart, and confidence तो इतना है कि कबूतरों के साथ slow motion में चलती है। Goals yeah. May जैसे normal लोग तो temple run खेलते हैं कबूतरों के साथ डर के मारे। Her friends ask her to come to lunch because a random tarot card reader is going to be there, but she doesn't want to. I don't believe in destiny predictions. It's all bullshit. Ah, please yaar, Priya, don't be a bore yaar. पीयर प्रेशर के नाम पे ये क्या चल रहा है? चल आज मोमो खाने चलते हैं, चल ना यार। द रीडर गेसेस बेसिक स्टफ राइट, देन शी गेसेस द बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल, रियल आई ओपनिंग स्टफ। कि तुम्हें अपने करियर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर मिस्टर राइट। सो नाउ प्रिया इज अ बिलीवर एंड शी शफल्स सम कार्ड्स एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो 7 तारीख को सुबह 7 बजे किसी फॉरेन कंट्री में, पॉसिबली ऑन अ बीच, उसे अपना जीवन साथी मिलने वाला है। इतने डिटेल्स में तो इंटरनेट पे रेसिपी भी नहीं मिलती है, एंड इसे एक वीक में जीवन साथी मिलने वाला है। जब वो तुम्हें मिलेगा, उसने 7 रंग के कपड़े पहने होंगे। फाइंडिंग अ गुड पार्टनर इज लाइक फाइंडिंग अ यूनिकॉर्न, यू नेवर गेट ऑल 7 colors, एंड दैट्स अ फैक्ट। प्रिया, योर लाइक एनी डेटिंग ऐप हैज टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड दे आर नो सिगी, नो अल्को, एंड नो लाइज, व्हिच ब्रिंग्स अस टू इमी, हर परफेक्ट मैच मेड बाय संस्कारी टिंडर एके डेस्टिनी। He is the kind of guy जिसको सुबह सुबह उठते ही सीगी चाहिए, पर बाबूजी आ गए, OMG! बेटा हो तो ऐसा। Dad, आप? हाँ। झूठ भी कितने संस्कार के साथ बोला है। Dennis, बाबूजी teaches us संस्कारी etiquette 101. Take notes, people. अरे क्या कर रहे हो बेटा जी? तुम आज के नौजवान हो। हाथ मिलाओ, गले मिलो। हाँ, ओके, गुड गोइंग। मम्मी पापा ने भी यही सिखाया। किसी My reaction is the same as the knocker. ये पोर्शन में कब आया? किसी किसी। So the next time you want your boyfriend's attention, you know what to do. किसी। Back to the movie. 6th को there is a youth conference in Bangkok and Priya's group got selected and her reaction is this. But what I don't understand is कि बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस रखना is like बोलना कि गोवा के बीच पे इंटरव्यू है, be ready. Ain't nobody going to be attending that interview. Duh. We get to know that Imi's friend promises girlfriend कि baby मैं तुम्हारे साथ रहूँगा on your birthday. But the girlfriend is going to be in Bangkok. So if they want to go then 50% भरना पड़ेगा. So Imi ये problem ऐसे solve करता है जैसे internet पे life hacks मिलते हैं. He distracts the principal, replaces him with the canteen dada, calls his father, and the father just writes a 89,000 blank check, you know, just a casual Thursday. ये तो रोज रोज होता रहता है ना. In Bangkok there are different dorms for males and females, and no student should interact with each other after 8 PM. What do you mean? 8 bajte students can't talk. So do we communicate as Pokemons? Pika pika. Chalega. It means girls and guys can't meet at night. But why would they want to meet at night? What will they do? Have a Pokemon battle? Imi's friend also promised his girlfriend ki baby, main tumhe sabse pehle birthday wish karunga. And maine Ashish ki problem solve kar di hai. Balls be the solution to everything. Tonight we're going to the girls hostel. Girls hostel mein jaake naturally they get caught. And open the door. अरे अपना अपना हो जाती कर लो। गर्ल्स। सो दे रन, द रेस्ट एस्केप, बट इमी रन्स इनटू अ रैंडम रूम व्हिच हैज नो लॉक। दैट वाज वियर्ड। इसलिए ब्लैंकेट के अंदर सोना चाहिए हमेशा। ही स्टील्स अ डायरी, रीड्स इट एंड क्योंकि उसका जीवन साथी तुम लोगों के सामने बैठा हुआ है।
सो दे फॉर्म अ प्लान। मुझे 7 रंग के कपड़े चाहिए, वो भी हो जाएगा। और बोल, ये कौन सी सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट है भाई जो रात को 3 बजे 7 रंग के कपड़े सप्लाई करते हैं? ये कैसी प्राइम डिलीवरी है? सुबह सुबह आप गिटार क्यों बजा रहे थे? Where is your fake English accent? मैं तो इतनी मजबूर हो गई हूँ कि गोवा भी चले जाऊँ ना तो भी मैं वापस आके बोलूँ Can I have a bottle of water? वैसे मेरा नाम प्रिया है, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नाम का क्या जवाब देगा वो? She is worse at flirting than I am. Imagine doing this when you're dating online. But Imi doesn't reply because मेरी जिंदगी की एक philosophy है कि सुबह के 15 मिनट अपने साथ अकेले बिताने चाहिए। That just sounds so wrong. He means मौन व्रत रखना, guys. Yes, that's exactly what I thought. Same. Ditto. Then they go for a walk on the beach and talk. वसंत विहार, KD's girls hostel. तुम वसंत विहार में रहती हो? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। I said talk. I didn't say overshare. और अगर इत्तेफाक है, तो मैं ही चाहूँगा कि ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ रोज़। Take notes. That's not flirting. That's लव्ज़ों का लुफ्त उठाना. He also passes all her terms and conditions. First, gives a speech on anti-smoking, which is quite convincing. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? तो सिगरेट पीने की तो तलाश सबको लगी रही होगी, नहीं? I know. इसे बुझा करिए, वादा करें कि आपके जीवन की आखिरी सिगरेट। Oh, Amy, thank you so much. You were really wonderful. और तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। Second condition. Lawyer या सिंगर बनना चाहते हो? अब तो कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे डैड ये चाहते हैं कि मैं शहर का सबसे बड़ा लॉयर बनूं, लेकिन लॉयर्स झूठ बहुत बोलते हैं और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड फॉर द थर्ड दे जस्ट वाइब ऑन अ डेट, यू नो, आई जस्ट हेट दारू एंड आई हेट ड्रिंकर्स। इफ दिस इज हाउ यू गेट अ रिलेशनशिप देन आई हेट इनकरेक्ट प्रोनंसिएशंस, बैड ग्राफिक्स, द वर्ड बेसिकली, jeans, crowded places, smut smacks, party oria accent, bad PPTs, aerial fonts. I love you, Amy. अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। I want to grow old with you. Will you marry me? This is what happens when you flirt too much. और यही मोमेंट पे बोलती बन। Normal guys will just ghost you after this, but unicorn guys deal with it like this. के मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है। प्रिया के बिना अब मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। मजाक दोस्ती और दोस्ती प्यार में कब बदल गए? पता भी नहीं चला। कि मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊँ जैसे प्रिया चाहती। I'm not crying, you are. Meanwhile. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। Ouch! It's over. That's how you know your love was real. Train के ऊपर बैठना पड़ेगा ब्रेकअप के बाद। Oh no! Don't do that. घर पे ही सही है सब। पर तकदीर कुछ और ही चाहती थी। और मेरी नजर तुम पर पड़ी। तो मैं तुमको देखता रह गया प्रिय। बल्कि इसलिए क्या? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। He was an asshole because he loved her. ये तुम्हें अब भी लगता है कि तकदीर हमको नहीं मिलाना चाहती? जरा वहां देखो इस मॉल का क्या नाम है। Because this was so convincing, she gives him another chance. Tells him to sign a 50 rupees note, buys a book from that note, writes her name and number in that book and sells it again. अगर तकदीर चाहती है तो प्रिया को नोट मिल जाएगा और इमी को बुक। What if someone tried this from the movie and that note got demonetized? फिर क्या? ये मेरी डेस्टिनी है, इस पे कोई मूवी बनाओ। Yeah, this is not fair. So they take a shortcut, go in 2 different lifts and if they press the same floor then it is destiny. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So close. What? I'm emotionally invested now. 3 years later, Imi doesn't smoke or drink anymore. And his dad organized a surprise party for him, which turns out to be Imi's engagement party. And 10 din mein shaadi hai iski. Isse jo tel laga kya hai ye party mein? Come inside na. Yeah, well, that is how that works. Good night. I don't know, ye sweet tha ya sanskari, but I like it. As for Priya, this is a child-sized gift. Do not trust it. The gift has layers. That's it. Ye scene time bomb ke saath khatam hoga. I'm sure of it. Itna neatly kaun gift khulta hai? Phaad de! Kaat de! Katappa! I want to know iske andar kya hai. What? Ye bhi khali? Agar koi mujhe aise gift de, then it better be a Pokemon inside. Preferably a Jigglypuff. I will accept nothing less. तुम मेरे 6 प्रपोजल रिजेक्ट कर चुके हो।
इस बार हाँ कह दो. That's so sweet. हाँ. इससे ज्यादा इमोशन तो बैकग्राउंड के टीवी सीन में. सो दे आर गोइंग टू मैरी इन 4 days एंड जतिन प्लान्ड एवरीथिंग विदाउट आस्किंग हर. बट इमी एंड प्रिया बोथ फेस साइंस फ्रॉम डेस्टिनी. यू नो लाइक उसका साइज बड़ा था. उसने एंगेजमेंट रिंग गलत फिंगर में पहना दी. सो दे बोथ डिसाइड टू टेक वन मोर चांस. प्रिया इज स्टिल कंफ्यूज्ड बट एट हर एंगेजमेंट पार्टी. वो 50 रुपीस का नोट जिसमें इमी का नंबर था तुमको किधर मिला? दी मेरी एंगेजमेंट इमी से नहीं जतिन से हो रही है. बस रिलेटिव्स की स्पेशलिटी है जले पे नमक डालना, वरना एंगेजमेंट पार्टी में आके दूल्हे का नाम भी नहीं पता. जतिन पोस्टपोन्स द मैरिज बिकॉज ही गॉट अ बिग ब्रेक. सो प्रिया गोज फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली विद अ फ्रेंड इंस्टेड. इमी फाइंड्स 3 साल पहले वाला स्कार्फ एंड ट्राइज टू फाइंड द एड्रेस फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड यूज्ड व्हिच लीड्स हिम फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बिकॉज ऑफ दैट बैंक एड्रेस. फिर 2 घंटे की पीपीटी प्रेजेंटेशन के बाद भी मैम ने मुझे सिर्फ गुड बोला. He gets the address of that auntie and she tells him कि कल ही प्रिया की शादी हो गई, because इसको तो पता ही नहीं है कि शादी पोस्टपोन हो गई है. A vendor finds Priya's book and he gives it to Sophia. Imi returns after that and he tells her everything and Sophia hides the book. As for Priya, her friend bought a purse and वो 50 रुपए वाला नोट प्रिया के पर्स में ही है already. बट शी इज अ स्मार्टी जिसको इमी का रियल नेम भी नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता, तो वो रेडियो स्टेशन पे जाके अनाउंसमेंट कर देती है. प्लीज बेबे कॉल मी, प्लीज आई लव यू सो मच कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम पैदा होते ही इमी इसलिए रखा क्योंकि आई मिस यू डेस्टिनी. यू नो हु इज इमी? द माइक ऑफ द गाय. दुनिया में इतने सारे इमी है कि इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्यार में जुदाई का मतलब क्या होता है. हाँ ऐसे ही तो कहते हैं असली दर्द. 99% एक्सपोर्ट पर लैपटॉप क्रैश होना तो बच्चों के लेवल का दर्द है. The hotel that she's staying in is the same hotel जहाँ इमी की शादी हो रही है. और उसको फाइनली रियलाइज हो जाता है, कॉल करके पता चलता है कि इमी की शादी आज है. एंड वहाँ मंडप से सब एग्जिट कर रहे हैं तो नोट गिरा के प्रिया भाग कर मॉल के बाहर बैठ जाती है. एंड डेस्टिनी हैपेंस. उसने अपनी शादी तोड़ दी, सोनिया ने सच बता दिया और एक बच्चे ने ये नोट आके इमी को दे दिया. तो अब हम साथ साथ हैं. Then they do couple stuff, whatever this is. But what if she had not met the tarot reader in the first place? She would not have been looking for the signs, and this would have been a random encounter with a weird guy. Ladies, gentlemen, and non-binary people, this movie is descending. It is a popcorn material for me, definitely not because I'm not biased towards Shahid Kapoor, definitely not. Booyah! That's it for today. See you next Tuesday. Take a peekaboo at our channel. Click on the button because it makes our hearts go boom. That's the spirit.